हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS और IFS के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक और सफल विद्यार्थी, एक और सफल एस्पायरेंट हमारे साथ है। अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जानकारी और प्रिपरेशन की पूरी जर्नी को हमारे साथ साझा करने के लिए, और आइए स्वागत करते हैं आप और हम मिल करके अक्षता जी का। और अक्षता ने अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र सेट एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उस एग्जाम में फाइनली सफल हो चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं और हमारे साथ हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को, सारी बातों को साझा करने के लिए। सो बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ साथ वेलकम इनटू IFS इंटरव्यू सेगमेंट। अक्षता, कैसा लग रहा है बेटा एग्जाम क्वालिफाई करके? अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, पर होपफुली अच्छे मार्क्स आए। अभी बस ये तो जर्नी थी, डेस्टिनेशन तो नहीं है सर। अच्छा लग रहा है। सही बात है, जर्नी आपकी तो बहुत लंबी होगी। जाहिर सी बात है, जब अभी तक जिन भी विद्यार्थियों से बात की, जिन भी स्टूडेंट से बात की, उनका यही है कि सर सेट तो एक छोटा सा जस्ट कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन है और आगे अभी लंबा सफर बाकी है। अभी स्विस नेट क्वालिफाई करना है, JRF कई सारे क्वालिफाई करने हैं। सो मैं चाहूंगा कि हमारा इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ताकि सारे इस इंटरव्यू को देखने वाले लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली आप कहां से हैं और कैसे आपने जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। सो हेलो एवरीवन, मायसेल्फ अक्षता सुतार एंड आई हैव कंप्लीटेड माय BSc डिग्री फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर इन जूलॉजी and my MSc in zoology with specialization cell biology from Shivaji University Kolhapur, and I have recently qualified GATE 2023 and SET 23. अरे वाह। So अब आपके जो सारे सवाल हैं, जो आप लोग सारे सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं, उन सवालों को मैं एक-एक करके आपके सामने या जो है लेकर के आता हूँ और अक्षता से सारे सवालों के जवाब मैं पूछूंगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने इस एग्जाम की तैयारी की, और तैयारी करने के लिए अलग अलग कई सारे सोर्सेस भी हैं, कई सारे माध्यम भी हैं, इन सारे अलग अलग ऑप्शंस में आपने IFS को क्यों चुना? Why IFS for the preparation of MSc exam? Sir, I got to know about IFS from my seniors, first of all. फिर उसके बाद ये हुआ था कि हम जैसे कि क्या बोलते हैं, कोविड बैच से थे, तो ऐसा था कि नॉलेज अपना गेन करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे। तो जैसे कि बताया मैंने, सीनियर्स में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो उसके वजह से मैंने चूज किया कि IFS ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसलिए आई ज्वाइंड IFS 2022 जनवरी में। ओके, सो सीनियर्स मतलब आपके जो कई सारे क्लास के सीनियर्स हैं, और मैं भी हो सकता है कई सारे टीचर्स भी हूँ, तो उनमें से कई सारे लोगों ने आपको सजेस्ट किया कि IFS से जुड़ जाए तो शायद आपका जो सपना है, आप जिस चीज को पाना चाहते हो, शायद हो सकता है। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि ज्यादातर विद्यार्थी अभी तक के जो IFS को जानते हैं, IFS से जुड़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके सीनियर्स या उनके टीचर्स ऐसे ही लोग हैं जो एक तरह से मैं कहूँ तो माउथ पब्लिसिटी वाला जो सीक्वेंस है कि भाई एक विद्यार्थी किसी कॉलेज से अगर कभी क्वालिफाई हो जाता है तो उस कॉलेज से कई सारे विद्यार्थी एक के बाद एक, हर सेमेस्टर के बाद, हर सेशन के बाद IFS के साथ जुड़ते रहते हैं, और ये सिलसिला बहुत समय से चलता आ रहा है। लेकिन आज के समय मैं इस बात को भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि यूट्यूब भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कई सारे बच्चे हमें जानते हैं और हम उन तक पहुंचे हैं, और ऐसा लगता है कि जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं IFS के टीचर्स के द्वारा, और उसी के साथ साथ हम जो एफर्ट्स क्लास में ले रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस में ले रहे हैं, उन सभी को अब मिला करके देखा जाए तो हम शायद स्टूडेंट्स तक पहुंच पाने में सक्षम हो रहे हैं, और कोशिश हमारी जारी है। आशा करते हैं कि आप और आपके जैसे और भी कई सारे विद्यार्थी हम तक पहुंचेंगे, हम उन तक पहुंचेंगे, और फाइनली मिल करके हम उनके सपनों को पूरा करेंगे और फाइनली उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल अपना कुछ इस प्रकार से है कि जब आपने प्रिपरेशन करने का सोचा और प्रिपरेशन की जर्नी शुरू की, तो प्रिपरेशन के दौरान आपने ऐसी कौन कौन से हर्डल्स हैं, ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जो फेस की, और आपको लगता है कि ये एक बार जरूर शेयर करना चाहिए उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन के फेज में जाने वाले हैं या तो अभी हैं, तो उन्हें उससे काफी मदद मिल जाएगी कि अगर इस प्रकार का उनके साथ भी कुछ हो रहा है, सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस
हमारे साथ भी हुआ था, डेफिनेटली आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के दिस इज द जस्ट पार्ट ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टडी, फाइनली आपका भी रिजल्ट आएगा। सर बिगेस्ट हर्डल तो ये बोल सकती हूँ क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक तो कोविड चल रहा था जी। उसके बाद ये थी कि मैं पहले से अपने घर में पढ़ चुकी थी, मतलब ऐसे बीएससी एमएससी कंप्लीट किया था, तो कभी बाहर रहने का ऐसे कुछ सीन था ही नहीं। पर फर्स्ट टाइम मैं पुणे में आई थी तो बहुत घबराहट थी उस टाइम पे, जैसे तैसे कर लिया था कि एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लोगों के साथ रहना है, खुद मैनेज करना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखी। फिर सेकेंडली ये मैं बोल सकती हूँ कि जो मतलब प्रिपरेशन चलते वक्त अपने खुद के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए वो नहीं रहता है, पर जब ऑफलाइन ज्वाइन कर मैंने किया था IFS तब ऐसा था कि बाकी सारे जैसे फैकल्टी मेंबर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उनसे हम ये सीखते कि हाँ चलो ये कर रहे तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना ही चाहिए, तो एक एटमोसफियर वहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर वगैरह क्रिएट करना, ये सब चीजें होती नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सितंबर में क्लासेस कंप्लीट करके मैं घर आ गई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, पर यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे ये पूरे डिफरेंट, मतलब सीए की पढ़ाई कर रहे थे, कोई यूपीएससी कोई एमपीएससी पढ़ रहे थे, तो फिर ऐसा हो रहा था ना कि अपने जो साथ वाले बच्चे जो थे नेट सेट के, उनसे हम थोड़े डाउट्स पूछते थे या फिर आप फैकल्टी के साथ थोड़ा टच में रहते थे हम सब लोग। पर यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो एक खामी थी, मतलब यहाँ पे लैग कर चुके थे हम यहाँ पे आके। तो मैं ये कहूंगी कि जितना हो सके ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो उसी एनवायरनमेंट में रह के पढ़ सकते हो, और बाकी तो फिर यही है सर, रिवीजन अपना चाहिए और ऊपर से कंसिस्टेंसी भी चाहिए जो कि रखनी कायम है, और ऊपर से एनालाइज करो कि पीवाई कैसे रहते हैं क्या रहते हैं, उसके ऊपर से भी हम कर सकते हैं। ओके, सो देखिए डिफिकल्टीज जो है, अगर मैं जस्ट कंपेयर करूं, क्योंकि अक्षता हमारे पास क्लासरूम में थी और अभी अक्षता ने बताया भी, तो कुछ डिफिकल्टीज हैं जो क्लासरूम में प्रिपरेशन के दौरान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, और दोनों के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स की मदद से, लाइव कोर्स की मदद से, तो जनरली देखने को मिलता है कि कुछ छोटी छोटी खामियां कमियां हर्डल्स परेशानियां प्रिपरेशन का जरूरी हिस्सा है, वो आएंगे आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम की बात करें तो सबसे पहले एक नए एनवायरमेंट में आके सेट होना होगा, और सेट होने के बाद वहां की सारी जरूरत की जो चीजें हैं डेफिनेटली आपकी जरूरत के हिसाब के नहीं होती है, बस वो कुछ होता है जो बस जीने खाने के लिए काफी होता है, ऐसा एनवायरमेंट यहाँ होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि क्लासरूम में वो लगातार वो माहौल रहता है कि आपको लगता है कि अगर मैंने एक दिन भी चीजें मिस की तो दूसरा मुझसे आगे निकल जाएगा, दैट मींस कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट, और ये काफी मदद करता है ना, काफी मदद करता है आपको कंसिस्टेंट बनाने में, आपको लगातार एफर्ट लेने में। फिर बात करें अगर ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के भी बहुत सारे फायदे हैं, कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो एनवायरनमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा मिस हो जाता है अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट नहीं है। होता है कि कई सारे बच्चे हैं उनको लगता है कि नहीं मुझे एक कमरा मिल जाए, एक जो है टेबल मिल जाए, That is more than sufficient, और मैं फिर अपने मर्जी से अपने इच्छा से सारी चीजें कर सकता हूँ। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, बट अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन वाला पार्ट थोड़ा सा भी कमजोर है या मिसिंग है तो बहुत मुश्किल कई बार हो जाता है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एक समय के बाद आपको लगता है कि शायद आपसे होगा नहीं होगा, एक ऐसा फेज आता है जिसमें आपको शायद किसी ऐसे की जरूरत होती है कि वो आपको समझाए कि नहीं आप सही जा रहे हो, आप बस लगातार एफर्ट लेते रहे। लेकिन क्लासरूम में ये वाला इशू नहीं आता, क्योंकि क्लासरूम के अंदर आप देखते हैं कि हर दूसरा बच्चा लगा हुआ है मेहनत करने में, तो फिर तो हमें भी करना है, और ये जज्बा बना रहता है। सो कुल मिलाकर के कई सारी हर्डल्स हैं, कई सारी कठिनाइयां हैं, आपने जो एम साधा है ना वो उतना आसान नहीं है, वो इतना ईजी नहीं है, एंड ईच एंड एवरी सक्सेस, ईच एंड एवरी ड्रीम्स, इट रिक्वायर्स सर्टन सेक्रीफाइसेस, आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स लेने हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, अपने आराम और बाकी सब चीजों को त्यागना है कुछ समय के लिए, तभी सफलता हाथ लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अक्षता, अब अगला सवाल मेरा ये है कि आप अपने सक्सेस को, अभी आपने एक ही एग्जाम सफल किया है, आपने बाकी लंबी लिस्ट बना रखी होगी कई सारे एग्जाम्स की, फिलहाल जो भी इस महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया, फिलहाल इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आपके फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने आपको जाहिर सी बात है टाइम टू टाइम मोटिवेट किया होगा। यस सर, लिस्ट तो बहुत लंबी चलेगी सर वैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है उस टाइम पे भी या फिर अभी भी करते हैं। फर्स्ट तो मैं कहूंगी कि मेरी फैमिली, मेरे भैया, मम्मी पापा सब लोग, और छोटा भाई भी है, सब लोग बहुत सपोर्ट किए उस टाइम में पूरा। और बाकी फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं साथ ही साथ। मतलब ये कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं ये दूंगी क्लास को, क्योंकि जो भी मेरे बेसिक्स थे वो सारे क्लियर उधर ही हो गए। और फिर इसके वजह से क्या हुआ, एक बेस डेवलप हुआ, उसके वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाई, या फिर आगे जो भी चल रहा था कि कैसे करें क्या करें, ये सारी चीजें मुझे ज्यादा उस टाइम पे मैटर नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीजें बताने के लिए आप सब लोग थे। तो देखिए भाई, ये तो हमारा काम था, आप हमारे पास आए, क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो ये तो हमारी ड्यूटी थी और हमने हमारी ड्यूटी की। लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि जब कभी किसी स्टूडेंट से बात करें, जब कोई इंटरव्यू में हम इस क्वेश्चन को रखें, तो सिचुएशन यही होती है कि जब तक घर के सपोर्ट या घर के लोगों का सपोर्ट हमारे साथ नहीं है, तब तक ऐसा कोई भी सपना शायद कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी नहीं देख सकता। तो हमेशा ही घर के वो पेरेंट्स, भाई बहन और वो कई सारे ऐसे फ्रेंड जिन्होंने लगातार इस तरह की चीजों के लिए मोटिवेट किया होता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब मैं एक तरह से अगर ये लाइन वापस से कहूं कि कोई अगर सफल विद्यार्थी है तो सफल विद्यार्थी के पीछे कहीं ना कहीं दीवार की तरह खड़े हुए पेरेंट्स हैं और कई सारे और भी लोग हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप हिम्मत कर पाते हो और बाहर निकल करके एफर्ट्स ले पाते हो। सो उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, जो भी इच्छा रखते हैं पढ़ने की, सफल होने की, अपने जीवन में कई सारे नए अचीवमेंट्स करने की, उन सभी को आप लोग सपोर्ट करते रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि सफल कोशिश करते रहें, लोगों को सपोर्ट करते रहें, और डेफिनेटली ऐसा करने से अच्छा देखने को मिलेगा। और ऐसे कई सारे इंटरव्यूज के माध्यम से आई हो, कई सारे लोगों ने इस चैनल पर देखा भी होगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला सेगमेंट हमारा ये है कि प्रिपरेशन जब कभी भी आप करना शुरू करते हैं तो देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब ऐसा लगता है कि शायद मुश्किल है, हमसे होगा या नहीं होगा, या फिर कई सारे ऐसे भी फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि आप शायद सही ट्रैक पे नहीं हो। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आप अपने एम से हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो एक तो होता है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम ओवरकम करें, और एक तो होता है कि कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। मतलब अगर कभी ऐसी स्थिति आए, डीमोटिवेशन जैसी स्थिति आए, तो अपने आप को मोटिवेट रखें। तो ये कैसे आपने मैनेज किया? सो सर, पहली बात डिस्ट्रैक्शन की अगर कही जाए तो मैंने थोड़ा, मतलब सोशल मीडिया भी सारी चीजें थे उससे थोड़ा ब्रेक लिया था तब। और फिर बात रही कंसिस्टेंसी की, तो ऐसा था कि मेरा एक रूटीन फॉलो मैं करती थी। अगर जैसे क्या होता था, जब भी पूरा दिन कंप्लीट हो जाए, रात में मुझे लगता था, मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरे दिन करने का मन करता है कि आज मैंने नहीं किया, आज तो मुझे करना ही चाहिए। या फिर कोई अगर टेस्ट हो, जैसे संडे की टेस्ट तब होती रहती थी, तब कब मार्क्स आ गए, तो ऐसा लगता था नहीं नहीं कहीं पे तो कुछ ना कुछ भूल हो रही है, तो आगे हमें इम्प्रूव करना है। और बाकी जो अपने सराउंडिंग्स रहते हैं उनसे बातें करना, कि मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पे, कि ऐसा हो जाता था कभी कभी कि लो फील करते थे, तभी बताते थे। या फिर ऐसे जैसे प्रतीक्षा मैम थी इससे पहले, कभी कभी उनके पास जाते थे, ऋषभ सर थे उनके पास जाते थे, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती थी तो उनको बताते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब होता है, सब लोग लो फील करते हैं, कभी कभी होता है मोटिवेशन की जरूरत रहती थी। और जब मैं घर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर गई, तब ये सारी चीजें मुझे लगने लगा कि ये सारी चीजें नहीं है मेरे पास। तब मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे जो आपके क्लासेस चल रहे थे ऑनलाइन, ये वाला इमोशन वाला बैच जो था, वहां से मैं कनेक्टेड थी। तो वहां से हमेशा जैसे प्रांशु सर हो या फिर विशाल सर हो, कुछ ना कुछ ऐसे बताते थे जिससे हम मोटिवेट हो जाते थे। मतलब ऐसा थी कि कॉन्स्टेंटली मैं टच में थी आपके प्लेटफॉर्म से। ओके। तो देखिए, मोटिवेशन जो है चाहिए, है ना, सभी को नहीं चाहिए, कई बार खुद से भी काम चल जाता है, आप इतने समझदार, इतने मैच्योर होते हो कि अपने आप को संभाल लेते हो, लेकिन कई बार चाहिए भी होता है। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अगर हम लोगों तक पहुंच सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, तो ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही और भी कई सारे सोर्सेस हैं
हो सकता है आपके घर में ही कोई ऐसा सोर्स हो जो आपको मोटिवेट करे ऐसे और इस प्रकार की स्थितियों में। सो हर एक विद्यार्थी की प्रिपरेशन वाली फेज में अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण जो जरूरी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन स्टडीज एंड ऑल, दैट इज कि वो लगातार अपने एम की तरफ बढ़ते रहे, मोटिवेट फील करें। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा सोर्स हो जो लगातार उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजता रहे और वो हमेशा मोटिवेट रहे। सो दिस इज अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगला सवाल मेरा ये है जो कि डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स के फायदे का है कि ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान रखें, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज का ध्यान रखें, ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें न करें अगर कोई भी दूसरा विद्यार्थी इस तरह के एग्जाम के बारे में सोचता है। कोई ऐसा स्टूडेंट मान लीजिए जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उस एग्जाम के बारे में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सोचता है तो क्या क्या चीजें हैं जो कि एक जैसे आप सफल हुए ऐसे ही सफल होने वाले विद्यार्थी के तौर पर हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेपर वन का जो है हम सोचते कि लास्ट मंथ में कर सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। उसको एटलीस्ट मतलब अच्छा खासा वो भी वहां पे सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ऐसे ही सोचते कि क्या है, इजी हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके ऊपर भी, वो भी स्कोरिंग पार्ट है। उसके साथ साथ सर मैंने ये किया था कि पीवाईक्यूज पहले थे वो एनालाइज किए थे और उसके हिसाब से जो जो टॉपिक मुझे लगे कि हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे वो मैंने साइड में कर रखे थे, और नोट्स तो मेरे ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में बन चुके थे तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी निकाले थे। उसके साथ साथ फिर अपने क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर ली, बस यही सर। ओके। और जो भी है अपना रूटीन फॉलो करना। ठीक, तो कुछ बेसिक चीजें अगर मैं जस्ट समराइज करूं अपनी तरफ से, इसमें कुछ एड ऑन करूं तो ये बहुत सिंपल है कि आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के बारे में आपकी पूरी आउटलाइन पहले से क्लियर होगी, और हर सेक्शन का हर एक सेगमेंट का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप पेपर वन के बारे में बात करें तो उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर भी काफी बड़ा अमाउंट ऑफ मार्क्स कंटेन कर रहा है। और अगर आप पेपर वन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, जनरली हम एक महीने के आसपास का समय सोचते हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक टाइम आप दे देते हैं तो ये आपके मार्क्स को, आपके स्कोर को डेफिनेटली बहुत बेहतर करेगा। मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ गेट क्वालिफाइड अब कब बढ़ जाता है ना, आप सफल हो जाओगे इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो हम काफी समय से करते हैं, बहुत सारा रिवीजन चलता है, बहुत प्रैक्टिस होती है, लेकिन पेपर वन के बारे में भी उतना ही समय देना है। फिर बात आती है डेफिनेटली सब्जेक्ट की, जो मेन पेपर है आपका उसके ऊपर भी आप प्रॉपर प्लान तरीके से जैसे जैसे प्लान दिए जाए आपको बताए जाए फॉलो करना चाहिए। और इन सभी चीजों के साथ आपको, क्योंकि सेट एग्जाम की खासियत होती है कि पेपर वन का समय ऐसे गायब होता है कि आपको पता नहीं चलता। यस सर, डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि हाँ अरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट टाइम इतनी तेजी से निकलता है कि फिर आपको लगता है कि अरे ये तो सब खत्म हो गया और मुझे तो अभी भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने रह गए, है ना। तो ये चीजें से थोड़ा सा आपको कोपअप करना पड़ेगा, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, कई सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पेपर वन को मिनिमम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें और सही करें। ठीक है, फिर बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट होगा, वो फटाफट आप कर लोगे, लेकिन कुल मिलाकर के अगर टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी आपने कुछ ध्यान नहीं दिया तो फाइनल एग्जाम में पेपर वन आपको डुबा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और फाइनली जो भी पढ़ा गया है उनको जितना रिवाइज करोगे, जितना रिविजन मल्टीपल टाइम आपका होगा, उतना आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैंने जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हो, जैसा कि डेफिनेटली अक्षिता ने भी इस चीज को फॉलो किया है और आज आपके सामने है, आशा करता हूँ कि आप सारे लोग भी इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे और सफल होंगे और फाइनली फिर से हमारे साथ या हमें अपने साथ जुड़ करके आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने का, जानने का मौका देंगे। सो अक्षता, मेरे हिसाब से अब आप अगले एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो, है ना। सेसर नेट एग्जाम की भी तैयारी चल रही है, रिसेंट वाला जो एग्जाम भी हो चुका है वो भी आपने दिया ही होगा। सो आशा करते हैं कि जल्द ही सेसर नेट एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कर लेने वाले हो और फिर एक बार लोग जुड़ेंगे और फिर आपके इस सेसर नेट एग्जाम को लेकर के जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, प्लान होंगे, उसको भी जानेंगे। सो इसी के साथ
इंटरव्यू में यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, और उसी के साथ साथ थैंक यू अक्षता आपको भी, आपने अपना कीमती समय दिया. थैंक यू सो मच.